ए, मस्त्रम कहे रे? वो मस्त्रम ठहरो। वो दादा लोग मामा से हफ्ता लेने आए हैं। मामा मस्त्रम बाहर गए हैं। बाहर क्यों चला गया? उसकी मौत आई जो बाहर चला गया, उसको मालूम नहीं हम लोग हफ्ता लेने आए वाले हैं? आज हफ्ते का दिन है। हम भाई मैं हर बात नहीं देख रहा हूं। जानता है आप उनका नाम क्या है? सिकंदर। शेष नाम रखने से कुत्ते की जात बदल नहीं जाती। नाम का सिकंदर और जात का भिखारी। लगता है अब तो अपनी जात बतानी ही पड़ेगी। आनी चाहिए। जिस गलियों में बरसों से टैक्स वसूल करते हैं, वहां तुम एक मामूली आदमी से पिटकर आए। सर, बाहर आपका बेटा आया है, अंदर नहीं आ रहा, बहुत नखरे कर रहा है। अरे अरे अरे, नसीब वाला है तू। मेरा बेटा आ गया, तू बच गया, नसीब वाला है तू। चलो। बहादुर, बहादुर, मेरी जान, मेरी औलाद। इससे जलने वाला कोई दूसरा पैदा ना हो, उसके लिए मैंने शादी भी नहीं की। बहादुर चीख करता है, मेरी जान निकल जाती है। अवस्थी साहब, आपका ये घोड़ा रेस के मैदान में। खबरदार, जो साले इसको घोड़ा बोला तो सामान खींचूंगा नहीं, इसको पलट कर हलक के अंदर धकेल दूंगा। साले इडियट, मैं इसको अपनी औलाद बोले जा रहा हूँ और तो घोड़ा बोला जा रहा है। सॉरी सर, अचानक मेरे मुंह से निकल गया। अचानक मुंह टूट भी सकता है। हम तुम्हें ये कहने आए हैं कि आज के बाद तुम्हारे आदमी गली मोहल्ले से टैक्स वसूल कर सकते हैं, और तुमसे हम टैक्स वसूल करेंगे। अरे साहब, शायद भाई ने कुछ गलत कर दिया हो, जो इसे कहना नहीं चाहिए। हाँ, समझदार हो, बहुत जल्दी गलती का एहसास हो गया। हम तो यहाँ आए थे तुमसे टैक्स वसूल करने, मगर तुम्हारा घर, तुम्हारी शान वान देखकर सोचा कि टैक्स वसूल करके क्या मिलेगा। हमें तो तुमसे हिस्सा मांगना चाहिए, वो भी बराबर का, 50-50। अच्छा डायलॉग बोलते हो। सुनो, ये जो इतना बड़ा अस्तबल देख रहे हो, वो बहादुर के लिए। तुम चाहो तो इसे घोड़ा कह सकते हो। घोड़ा तुम इसलिए कह सकते हो ताकि तुम्हें पता चले कितना बड़ा, इतना शानदार अस्तबल सिर्फ घोड़ों के लिए होता है, तुम्हारे जैसे गधों के लिए नहीं। अभी तक मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा नहीं है, ताकि मैं तुम्हारे जैसे फुटपाती को उठाकर अपने बरोबर का पार्टनर बनाता फिरूं। और दूसरी बात यह है, अरे जाते हैं जाते हैं जाते हैं, मगर एक बात याद रखना, हमारे जाने के बाद तुम एक पागल कुत्ते को ढूंढोगे। हाँ। फिर खुद को उससे कटवाओगे और दूम दबाकर जबान लटकाकर हमारे पीछे भागते हुए आओगे। और फिर तुम आओगे, हमें एयर कंडीशन गाड़ी में बिठाओगे, सारी बंबई की सैर कराओगे और कहोगे कि तन मन धन से मैं तुम्हारा दास हूँ। चले भाई, और कुछ नहीं कहना, कह देते साले, बाद में, बाद में। Thank you.
समझाया कि दादागिरी मत दिखाओ, ये तुम्हारा गांव नहीं जहाँ तुम्हारी दादागिरी चलेगी। वो जो सिकंदर है ना, जिसे तुमने अपनी दादागिरी दिखाई थी, वो आ गया ढेर सारे दादाओं को लेकर तुम्हें सबक सिखाने के लिए। माई बाप, मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि इतने गार्ड्स के पहरे में जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पर घुसकर आपने मेरे बहादुर घोड़े की गर्दन को झटक कर मुझे जो झटका दिया है, उसे साबित हो गया कि तुम दोनों ही मेरे बाप हो। सुबह उठा, स्नान भी नहीं किया, पूजा भी नहीं की, सीधा चला गया पागल कुत्ते को ढूंढने। कुत्ता मिला, उसको रिक्वेस्ट किया, खुद को कटवाया और सर के बल सीधा यहाँ चला आया। मगर मेरे बापो, मेरा सर अपने सामने झुकाने के लिए मेरे बेटे बहादुर का सर काटने की क्या जरूरत थी? जरूरत? अरे जरूरत तो थी, इसलिए तू सर के बल यहाँ चला है। मेरी हालत पे हंस रहे हो तुम लोग? अरे हंसी आती है तेरी मूर्खता पर। जरा सोच अवस्थी, दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले दोस्त के बेटे की मुंडी काट सकते हैं क्या? क्या क्या कहा? क्या? अरे हम इंसान हैं, हैवान नहीं कि किसी बेजुबान की जान ले लेते। अरे हमने तेरे बिस्तर में नकली मुंडी नकली खून लगाकर अपनी अकलमंदी का सबूत दिया है। मेरा बहादुर जिंदा? ओ मटके! बहादुर, बहादुर, अरे मेरे कलेजे के टुकड़े, मेरी जान, अरे मेरे जान, मेरी जान। प्रेम, इसे लेके जाओ, संभाल कर लेके जाना। पिताजी, पिताजी, मेरा दिल करता है मैं अपना सर दीवार पर मार कर फोड़ डालूं और सर के खून से आप दोनों के पांव धो डालूं। लानत है अवस्थी, तुम पर लानत है। अरे ऐसे महावीर पराक्रमी लोग मेरे घर पर आए और मैंने कदर नहीं की। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, मैं तुम दोनों को 50-50 का पार्टनर बनाऊंगा। हाँ, और उसके पहले मेरी गाड़ी में बिठाकर बंबई की सैर भी कराऊंगा। करोगे ना? बंबई की सैर तो मैं जरूर करूंगा।